वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हो? यहाँ कोलकाता में जोर से बारिश चल रहा है, तूफान भी चल रहा है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। दोस्तों इस एपिसोड में बात करेंगे फिल्म बंटी और बबली के बारे में, मतलब इस बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वर्डिक्ट और आखिर में एक छोटा सा रिव्यू भी मैं अपना शेयर करूंगा। दोस्तों फिल्म के लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, राज बब्बर और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दोस्तों ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट किया था शाद अली ने और प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने और म्यूजिक दिया था शंकर एहसान लॉय ने। तो फ्रेंड्स फिल्म का बजट था 12.50 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 2.68 करोड़ जो कि एक डिसेंट नंबर था और पहले वीकेंड में कलेक्शन किया था 8.66 करोड़ जो कि इम्प्रेसिव था। मतलब ओपनिंग डे कलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया इस फिल्म ने क्योंकि ऑडियंस ने खूब पसंद किया था इस फिल्म को और ऑलरेडी फिल्म का गाना पहले ही हिट हो चुका था। इस वजह से फिल्म का पहले वीकेंड का जो कलेक्शन था वो बहुत बढ़ गया और जैसे मैंने बताया 8.66 करोड़ का कलेक्शन आया और पहले वीक में इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 14.37 करोड़, मतलब ऑलरेडी सक्सेसफुल डिक्लेयर हो चुका था अपने पहले वीक में ये फिल्म। और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 36.25 करोड़ और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस बजट था सुपर हिट। दोस्तों क्योंकि इस फिल्म का जो गाना था वो ऑलरेडी पहले पॉपुलर हो चुका था और एक गाना, मतलब ऐश्वर्या राय इस एक गाने में है कजरा रे, जहाँ पे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या तीनों एक साथ जो डांस नंबर था उस गाने ने इस फिल्म को बहुत हेल्प किया क्योंकि उस गाने को देखने के लिए ही बहुत लोग बार बार देखने गए बड़े पर्दे पे इस फिल्म को। और जो प्लॉट था वो यूनिक था, इस वजह से लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया। गाना तो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था इसलिए इस फिल्म का जो ओवरऑल वर्डिक्ट था वो सुपरहिट आया था। और दोस्तों अगर इस फिल्म के बारे में मैं अपना एक छोटा सा रिव्यू शेयर करूँ, दोस्तों एक वेल एंटरटेनिंग मूवी है अच्छे गानों के साथ, मतलब गाने बहुत पॉपुलर हुआ था और गाने सुनने में बहुत बेहतरीन लगता था उस टाइम पे, आज भी ये गाना सुनने में अच्छा लगता है। ओवरऑल एक एंटरटेनिंग मूवी है। अमिताभ बच्चन एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत बढ़िया काम किया और दो चोर की भूमिका में रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। सभी का काम बहुत बेहतरीन है इस फिल्म में। ओवरऑल एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ये था मेरा राय इस फिल्म के बारे में। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दो। दोस्तों अगर किसी फिल्म के बारे में, मतलब उस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वर्डिक्ट के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय, टाटा, जय हिंद।